आज मैं एक ऐसे बोल्ड आइडिया के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसी एडवांस मशीन के बारे में बताने वाला हूँ जो आज से 800 से 1000 साल पहले भारत में मौजूद थी। और उस मशीन का यूज जो है वो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है उनके पिलर्स बनाने के लिए होता था। मतलब ये एक ऐसी मशीन थी कि अगर ये कुछ और सेंचुरीज तक इस्तेमाल होती, ये भारत के मंदिरों की खूबसूरती और बढ़ाती। हमारे एंशियंट टेम्पल्स वैसे ही इतने अमेजिंग है कि दुनिया भर के लोग इन्हें देखकर शॉक हो जाते है। ऐसे में उस मशीन का नॉलेज अगर हम बचा कर रख पाते तो हमारे इंडिया के मंदिरों का इतिहास कुछ और होता। लेकिन फिर उस मशीन के साथ भी वही हुआ जो अक्सर हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट के साथ होता रहा था। वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपको भी गुस्सा आएगा ये जानकर कि हमारे पास किस लेवल की नॉलेज थी। और फिर जो कुछ भी आपने लेथ मशीन तो देखी होगी जो किसी भी मेटल की चीज़ को शेप देती है। इसमें मेटल का एक बड़ा सा रॉड हाई स्पीड में घूमता है, रोटेट होता है, फिर एक जो शार्प एज वाला हिस्सा होता है उस पर घिसाई करके उसे शेप देता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि साउथ इंडिया में आज से कम 800,000 साल पहले ऐसी लेथ मशीन मौजूद थी। डिफरेंस सिर्फ ये था कि उसमें किसी मेटल की चीज़ को नहीं बल्कि बड़े पत्थर को, एक सिलेंड्रिकल पत्थर को शेप दिया जाता था। और ये मेरा दावा नहीं है, खुद गवर्नमेंट भी मानती है कि हाँ होयसाला के मंदिर में ऐसे पिलर्स लगे हैं जो एंशियंट लेथ मशीन से बनाए गए थे। जब मैंने हम्पी के मंदिर देखे, होयसाला के मंदिर देखे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ के पिलर्स जो है वो बहुत ही मतलब बिल्कुल गोल है, सिमेट्रिकल है और इतने पॉलिश्ड है कि आप अपना चेहरा उनमें देख सकते हो। वो सब इतने यूनिफॉर्म है कि उन्हें देखकर ही समझ में आता है कि ये किसी मशीन से ही बनाना पॉसिबल है। और ये भी समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि ये जो रिंग्स है वो तभी बन सकते हैं जब ये बड़े बड़े पिलर्स किसी मशीन पर रखकर रोटेट हुए होंगे और तब उनको ऐसा शेप दिया गया होगा। और ये जो काम है ये जिस मशीन पर किया गया था वो मशीन भी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। इन मंदिरों में जो गाइड्स है वो भी आपको यही बताएंगे कि ये जो पिलर्स है ये एंशियंट लेथ मशीन से बनाए गए हैं। मतलब ये जो वर्ड है लेथ मशीन, ये सिर्फ मतलब मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ बल्कि स्टैंडर्ड रेफरेंसेस में भी यही वर्ड यूज़ होता है। अगर बात करें हम्पी की, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तो हम्पी अपने म्यूजिकल पिलर्स, स्टोन चैरियट्स और ऐसी इंजीनियरिंग फीचर्स के लिए फेमस है जो उस समय के लोगों की हाई स्किल्स को दिखाती है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि हम्पी के मंदिरों में आपको स्मूथ पॉलिश किए हुए पिलर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको वो लेथ मशीन देखने को मिलेगी जिस मशीन का इस्तेमाल करके ऐसे पिलर्स बनाए जाते थे। ये है वो स्ट्रक्चर जो हम्पी में मौजूद है और जो एक लेथ मशीन का हिस्सा था। ये मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है इस मशीन में कुछ और भी लोहे के या लकड़ी के हिस्से रहे होंगे जो मौसम की वजह से खराब हो गए, क्योंकि लकड़ी और लोहा पत्थर की तरह मौसम की मार नहीं झेल सकते और वो जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए इसमें लगी जो लोहे की चैन, लकड़ी के पार्ट्स या फिर रस्सियाँ रही होंगी वो जाहिर सी बात है खराब हो गई। और जब हम हम्पी के अच्युत देवराय मंदिर में गए थे तो वहाँ पर हमें दो बड़े बड़े गोल पत्थर रखे हुए दिखाई दिए जो बहुत ही मतलब आउट ऑफ द प्लेस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कहीं से उठाकर वहाँ पर रख दिया होगा। और सेम ऐसे पत्थर इस लेथ मशीन के पास भी मौजूद है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दो पत्थर इस मशीन का ही हिस्सा हो और इस मशीन के बाकी के पार्ट्स आज भी इधर उधर पड़े हो। इस मशीन को ऑपरेट करने का तरीका आज के लेथ मशीन जैसा ही होगा। इस पर एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल स्टोन रखकर उसे घुमाया जाता होगा और पहले उसे पॉलिश की जाती होगी और यही इस मशीन का पहला काम होगा। आज जो भी हम साउथ इंडियन टेम्पल्स में हाईली पॉलिश्ड पिलर्स देखते हैं ये सब इसी मशीन का कमाल है। फिर उसके बाद कोई शार्प लोहे का टूल उस पर अप्लाई किया जाता होगा और फिर ऐसे सर्कुलर रिंग्स और शार्प एजेस वाले ग्रूव्स बनते होंगे। होयसाला के कई पिलर्स पर ये रिंग्स आज भी क्लियरली दिखाई देती है, एक के ऊपर एक सेम स्पेसिंग में। इस मशीन की वजह से एक और काम सिंपल हो गया था, मास प्रोडक्शन विद स्टैंडर्ड प्रोसीजर। इस मशीन से सेम टाइप ऑफ वर्क रिक्रिएट करना, हर एक पिलर को एक जैसा बनाना बहुत ही आसान हो गया था। अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के कारीगर जो थे वो इतने स्किल्ड नहीं थे, लेकिन जब उनके पास ये मशीन थी तो उन्होंने इसी मशीन का इस्तेमाल करके ये डिज़ाइंस रिपीट किए।
और आज ऐसे कई मंदिरों में कई सारे एग्जैक्टली सिमिलर पिलर्स हम देख सकते हैं। हम्पी के जो आर्टिस्ट थे वो इस मशीन में पत्थर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए ये भी अच्छे से जानते थे। ऐसे खंभे बनाने के लिए उन्होंने ज़्यादातर सोपस्टोन यूज़ किए। अब सोपस्टोन ही क्यों, क्योंकि ज़मीन से या फिर खदान से बाहर निकलने के बाद जब तक उस पत्थर का पूरा डिहाइड्रेशन नहीं हो जाता तब तक वो पत्थर थोड़ा सॉफ्ट रहता है, और उसी दौरान ये कलाकार उस पत्थर को जैसा चाहिए होता था वैसा शेप देते थे। और फिर जब ये पत्थर मंदिर में लगाए जाते तो वो जैसे हवा के संपर्क में आते वो धीरे धीरे हार्ड बन जाते। मतलब देखिए कि इन कलाकारों का ऑब्जर्वेशन कितना तगड़ा था। अब एक आखिरी सवाल कि इस मशीन को चलाने के लिए बिजली कहां से आती थी? हम्पी के कलाकारों को ये मशीन चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत थी ही नहीं, इस मशीन को मैकेनिकली ऑपरेट किया जाता होगा, जिसमें कई सारे पार्ट्स होंगे, बियरिंग्स होंगे, कई सारे लोग एक साथ इसे ऑपरेट करते होंगे। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि इस मशीन से बनाए स्तंभ हमें ज़्यादा मंदिरों में दिखाई नहीं देते? इसकी तीन वजह हो सकती है। पहली ये कि इस मशीन को ऑपरेट करना और इसका यूज़ करना, पिलर्स बनाना इसका यूज़ करके शायद आसान नहीं होगा। दूसरी वजह यह हो सकती है कि इसे चलाने की जो तकनीक थी वो सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित थी, और उनके साथ इस मशीन से जुड़ा हुआ नॉलेज भी भुला दिया गया। क्योंकि इतनी एडवांस मशीन अगर आपको पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह पर दिखाई देती है तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि एंशिएंट नॉलेज आगे पास नहीं हो पाया। और अब मेरे ख्याल से वो रीज़न जिसकी वजह से ये एंशिएंट नॉलेज आगे पास नहीं हो पाया, शायद वो तीसरा एक और रीज़न हो सकता है कि भारत के आखिरी हिंदू साम्राज्य का ख़त्म होना। जनवरी 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी, जहां पर विजयनगर साम्राज्य का सामना 5 दक्कनी सल्तनतों से हुआ था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। ये पांचों मुस्लिम सल्तनतें एक ही मकसद से एकजुट हुई थी, भारत के आखिरी महान हिंदू साम्राज्य यानी विजयनगर एम्पायर को ख़त्म करना। उस समय भारत के इस आखिरी हिंदू एम्पायर के राजा थे राजा राम राय, जो बुजुर्ग थे लेकिन बहुत ही चालाक थे, बहुत बहादुर थे। उन्होंने कई सालों तक इन सल्तनतों का मुकाबला किया था। लेकिन जब कोई अपना ही गद्दारी करे तो कोई राजा कितना भी शातिर क्यों ना हो वो क्या ही कर सकता है। राजा राम राय की सेना में गिलानी बंधु थे जो मुस्लिम कमांडर थे। लड़ाई चल रही थी और विजयनगर साम्राज्य की जीत लगभग तय थी, तब एन वक्त पर उन गिलानी बंधुओं ने अपनी ही सेना पर हमला शुरू किया। अचानक पूरा मैदान पलट गया, राम राय को जिंदा पकड़ लिया गया और उनका सिर कलम करके उनका कटा हुआ सिर भाले पर टांग कर पूरे मैदान में घुमाया गया। फिर उसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास के सबसे बुरे चैप्टर्स में से एक था। विजयनगर साम्राज्य के शहरों को 5 महीनों तक लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, महलों से सोना, जवाहरात और सजावट की वो हर चीज़ उखाड़ ली गई जो यहाँ की शान थी। वो सारे कलाकार, इंजीनियर और वो कारीगर जिनके पास इन सारी कलाओं का वो एंशियंट नॉलेज था वो या तो मार दिए गए या फिर वो यहाँ से भाग गए। कारीगरों के कारखाने जला दिए गए, वो लाइब्रेरीज जिनमें वास्तुशास्त्र, इंजीनियरिंग डिजाइन का राज छुपा था उन सबको जला दिया गया। उन्होंने सिर्फ लूटपाट नहीं की बल्कि उन्होंने इतिहास का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा मिटा दिया। तो हम्पी के खंडहरों में खड़े होकर ये पूछना कि आखिर उन्होंने ये सब बनाया कैसे होगा, ये सवाल पूछने का मतलब कोई तर्क है ही नहीं, क्योंकि ये हमें कभी भी पता नहीं चल पाएगा क्योंकि वो नॉलेज नष्ट हो चुका है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इस विषय पर कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट ज़रूर करिए ताकि ऐसा काम करने में हमें मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।